दोस्तों, यह है मोटोरोला एज 50 फ्यूजन, जो कि एक महीना चलाने के बाद हम रिव्यू करेंगे इस फ़ोन की और आपको बताएंगे कि ये कितना बढ़िया फ़ोन हो सकता है आपकी बजट फ़ोन के से थोड़ा ज़्यादा। और इसमें आपको एक कवर मिल जाता है, एक चार्जर और एक यूएसबी केबल और सिम इजेक्टर टूल्स, और फ़ोन आपका कुछ इस तरह से पैक में आएगा, जो कि बहुत ही शानदार पैकेजिंग है और चार्जर भी बहुत ही बढ़िया है। और इसमें आपको टाइप सी टू टाइप सी चार्जर मिलेगा और यूएसबी टू टाइप सी नहीं मिलेगा। और फ़ोन का जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया शानदार सा लुक है, लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे को लगे है। मोटोरोला का जितना भी फ़ोन का मॉडल है वो हर फ़ोन का मॉडल ज़्यादातर एक जैसा ही लगता है, ठीक है, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, बाकी एक जैसा है। और फ़ोन बहुत ही स्मूथ है और चलने में बहुत ही बढ़िया है, तगड़ा है, और प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। और चलाने के बाद मैंने चेक किया तो फ़ोन में हीटिंग जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसका जो बैक में ग्लास नहीं है, ये एक प्लास्टिक जैसा ही है, तो जिसके लिए आपका जो फ़ोन में हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आपको बाहर में कम देखने के लिए मिलेगा। और लुकिंग जो है बैक में लेदर टाइप का आपको दिखने को मिलेगा और साइड में स्कार्ब डिस्प्ले है, जो कि बहुत ही शानदार और लाजवाब लुक देता है। और इसके साथ एक आपको कवर भी मिलता है, कवर लगाने के बाद ये आपको इस कुछ ऐसा लुक देखने के लिए मिलेगा। ये कंपनी की ओर से फ्री का कवर है और जो लगाने के जो आता है वो लगभग लगभग आपका फ़ोन का जो मॉडल कलर है, फ़ोन का जो कलर के हिसाब से आता है ये कवर का कलर, तो वो बहुत ही कंपनी ने ध्यान में रखते हुए किया। और इसका जो ब्राइटनेस है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का ब्राइटनेस, मतलब ये जो ब्राइटनेस आप दिन में जहाँ भी यूज़ करो और रात में भी यूज़ करो तो कम करके, तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और फुल देने पर अब धूप में भी यूज़ करोगे तो आपको कुछ दिक्कत होने की चांसेस नहीं है, और अंधेरे में आप जितना भी कम करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसका कैमरा क्वालिटी आप लोग तो पहले ही देख चुके हो, और फिर से भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ।